आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ।

क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कोई एक स्फेरिकल हमारे पास सरफेस है जिसकी रेडियस गिवन है फाइव सेंटीमीटर क्या है हॉलो है इसकी रेडियस कितनी गिवन हमारे पास देखो फाइव सेंटीमीटर अगर मैं इसको बाहर से चार्ज दूंगा लेट से मैंने इसको बाहर से प्लस क्यू चार्ज दिया तो पूरा का पूरा क्योंकि हालो सर्फेस थी तो पूरा का पूरा चार्ज इसके आउटर सर्फेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देखो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है इसको आप इस तरह से बोल सकते थे हमारे पास कोई एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है आर इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये हाल स्पेरिकल कंडक्टर था तो जितना भी आप चार्ज दोगे इसके आउटर सर्फिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो हमारे पास चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा तो अंदर अगर किसी भी पॉइंट पे चार्ज जीरो है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा जबकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है कितना 10 बोल्ट तो इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 10 बोल्ट मतलब ये कैसी सरफेस हो गई इक्की पोटेंशियल सर्फेस क्लियर अब आप देखो क्या होता है अगर मैं इस हॉलो स्पेरिकल जो सर्फेस थी उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या होगा माइनस डी वी

अगर डी वी जीरो हो गया तो यहाँ पे वी क्या आ जाएगा हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया वी क्या था हमारे पास देखो पोटेंशियल ये हो गया कॉन्स्टेंट मतलब कि इस हॉलो स्पेरिकल जो सरफेस थी इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है और वो किसके इक्वल होता है जितना इसके सरफेस पे रहेगा तो सेंटर देखो इसके अंदर का पॉइंट होगा तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वी ओ होगा जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल था टेन मोल्ट तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया टेन मोल्ट और अगर ऐसे में फॉर्मुले से देखूँ अगर इस पर चार्ज q गिवन है इसका रेडियस r है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा v k plus q divided by r ठीक इसके सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा और यही इक्वल हो जाएगा किसके इसके सेंटर पे पोटेंशियल के सेंटर पे भी यही पोटेंशियल होगा देखो हमारे पास k q कैपिटल r ठीक तो हमेशा याद रखना अगर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है तो जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल उस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे रहता है इंक्लूडिंग सेंटर क्योंकि सेंटर भी अंदर का पॉइंट है तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई आर वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे देखो वी नॉट इक्वल के क्यू बाई रेडियस कितना हमारे पास देखो फाइव ये आ गया हमारे पास सेंटर पे पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल इस तरह ही होगा दोनों एक दूसरे के सेम होंगे ठीक तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा टेन वोल्ट ऑप्शन वन जीरो होगा ये गलत है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जनरली हमें लगता है कि यहाँ पे देखो चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल जीरो हो हो जाएगा क्योंकि होता 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 है R. है 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 अंदर चार्ज चार्ज नहीं नहीं तो पोटेंशियल आप जीरो कर देते हो, ऐसा ये जो वो हो, सरफेस पे दिया गया चार्ज होता है ठीक तो अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है किसके इक्वल होता है जितना सरफेस पे रहता है तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल था टेन बोल्ट तो सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल आएगा थर्ड ऑप्शन देखो सेम एस पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्फेस तो अगर कोई पॉइंट पी मैंने ले लिया यहाँ पे देखो ये पॉइंट पी है अवे फ्रॉम द सरफेस सरफेस से फाइव सेंटीमीटर दूर है तो उस पॉइंट की इस सरफेस या जो हमारे पास कंडक्टर था उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर होगा क्यों क्योंकि तो हमेशा डिस्टेंस आप सेंटर से ही मेजर करोगे तो इस सेंटर से सर्फे से सेंटीमीटर था तो इसकी रेडियस कितनी थी फाइव सेंटीमीटर तो फाइव फाइव कितना हो जाएगा टेन सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेता हूँ तो ऐसे पूछा जाता है कि इस हमारे पास जो स्पेरिकल कंडक्टर था इसके सेंटर से आर इक्वल टू टेन सेंटीमीटर पे आपको पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखोगे वी इक्वल टू उस पॉइंट पी पे पोटेंशियल के चार्ज कितना है प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज तो आपने दिया था तो चार्ज तो सेम रहेगा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो टेन सेंटीमीटर तो क्या ये इक्वल होगा सेंटर पे जितना पोटेंशियल है नहीं सेंटर पे पोटेंशियल कितना था के क्यू बाई फाइव बोल्ट बट यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया के तो हमारा गलत हो तो हमेशा याद रखो सेंटर पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसके सरफेस पे रहेगा क्लियर अब यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है सेम एट अ पॉइंट सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इस बार जो पॉइंट है देखो इसके सेंटर से थर्टी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आएगा क्योंकि सर्फेस से ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो इस सर्फेस से जो पॉइंट था देखो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव टोटल डिस्टेंस सेंटर से आ जाएगी उस पॉइंट की

कि अगर होलो स्पेरिकल सर्फेस है तो उसके सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा सरफेस पे पोटेंशियल हमें टेन बोल्ट दिया था तो सेंटर पे भी टेन बोल्ट होगा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या नेटअसएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर